हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है द पंकज शर्मा। तो आई होप आप सभी ने मेरा के टू के सीरीज पूरा देख लिया होगा, और जिस जिसने नहीं देखा प्लीज जाके देख लो। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है कश्मीर से कन्याकुमारी की, अलग से बनी हुई है, सारे ब्लॉग्स है उसमें। तो प्लीज जाके देख लो और कमेंट कर दो, लाइक कर दो और बता दो यार कैसी बनी है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, बट ठीक है अभी बिगिनर हूँ तो व्लॉग्स में तो थोड़ी बहुत इधर ऊपर नीचे होता रहता है। तो कोई बात नहीं, तो आप सभी का स्वागत है। ठीक है, दोबारा से, और जो जो चैनल पे नया प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि मैं अपने के टू के राइड पर, जो सोलो राइड की मैंने, मैं क्या क्या सामान लेके गया था, क्या क्या मैंने चीज़ें कैरी की थी और क्या क्या गेयर्स थे मेरे पास। ठीक है, तो पूरा डिटेल में बताऊँगा क्या क्या था, क्या क्या नहीं था और क्या क्या ज़रूरी है और जो क्या क्या मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो पे और लास्ट तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप सभी को कुछ ना कुछ, जो जो राइड करना चाहता है फ्यूचर में, तो आप सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें, रिलेट करोगे आप। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो गाइस बिल्कुल ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है इंडिया का फ्लैग, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैंने सोचा था कि मैं कश्मीर में जहाँ से स्टार्ट करूँगा वहाँ से, और सेकेंड कन्याकुमारी में मैं उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा यू नो ड्रीम था मेरा। तो यस, द फर्स्ट नंबर पे ये है। फिर आते हैं अपने मेन एक्सेसरीज़ पे, जो बाइक की एक्सेसरीज़ है, तो वो है सैडल बैग। ये राइनॉक्स के सैडल बैग है। ठीक है, तो बहुत अच्छे सैडल बैग है, बहुत हार्ड है और वाटर प्रूफ है, तो ये वाले बहुत ज़रूरी है, अगर कोई लेना चाहता है तो ये वाले ले लेना। उसके बाद आते हैं अपना दूसरे पे, ये है अपना नॉर्मल डफल बैग, ये मैंने एज अ टेल बैग यूज़ किया था। ठीक है, तो फिर आते हैं अपने, ये है अपना टैंक बैग, ये है ये वाला टैंक बैग है, बहुत बढ़िया टैंक बैग है, बहुत बढ़िया आई हैव टू से। ठीक है, फिर आते हैं अपना हेलमेट पे, तो ये अपना स्टड्स का हेलमेट है, ये मैंने यूज़ किया था। तो इसके साथ अपना लगा हुआ है इंटरकॉम ASG का, तो यस इट इज़ वेरी गुड हेलमेट, बिगिनर्स के लिए बहुत सही है। फिर आप आते हैं अपने राइडिंग गियर्स पे। ठीक है, ये अपनी राइडिंग जैकेट राइनॉक्स की, और ये है अपनी राइडिंग पैंट BBG की। ठीक है, तो बहुत सही है, बहुत सही है, मेरे लिए थोड़ा लूज है बट अल्टीमेट है, अल्टीमेट। ठीक है, अभी तक मैं फॉल नहीं हुआ इसमें, बट सेफ हो रहा था, मुझे सेफ मैं फील कर रहा था इन्हें पहन के, तो बहुत ज़रूरी है यार। ठीक है, आप कुछ लो ना लो बाकी चीज़ें जैसे एसेसरीज, कैमरा वगैरह, बट ये बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हो तो, मस्ट है। ठीक है, तो ये प्लीज़ ले लेना बिगिनर्स के लिए। ये जस्ट यू नो, मैं आपको रेट भी बता देता हूँ, इसका रेट था अराउंड 5000, 5 to 6000 था इसका, था 7 to 7500, 7000 to 7500 ये पेंट पड़ी थी मुझे। ठीक है, फिर आते अपने नॉर्मल शूज़ पे, वन पेयर नॉर्मल शूज़, वन पेयर राइडिंग शूज़। ठीक है, ये अपने कुछ कपड़े हैं, मतलब टावल वगैरह, तो कपड़े मैं कम कैरी करा था, मैंने रास्ते में बहुत खरीदा टी शर्ट्स वगैरह। ये अपनी छोटी सी फर्स्ट एड किट, इसमें सारी मेडिसिन थी A to Z, तो मैंने सारी ले ली थी। ये अपना छोटा सा बैग है टॉयलेट्रीज़ का, ये अपना अलग से कैरी करा था। ये अपने राइडिंग ग्लव्स है, ठीक है, बहुत काम किया इन्होंने। ये अपने एक थोड़ा सा मैं बैग, ये पॉलीथीन डस्टबिन बैग यूज़ कर रहा था, गार्बेज बैग, जस्ट थोड़े गीले कपड़े वगैरह रखने के लिए, ये भी बहुत काम आया। अब आते हैं अपने थोड़े बाइक से रिलेटेड, जस्ट बाइक मैंने न्यू बाइक थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ कैरी नहीं किया था, जस्ट एक क्लच वायर कैरी की थी ये रॉयल एनफील्ड की, और एक ये क्लीनर एंड लूब कैरी किया था, ये ब्रश कैरी की थी, और ये बंजी रोप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी, मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी 200-250 रुपये की, तो बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर आते अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं कैरी कर रहा था अपना लैपटॉप, एसुस का लैपटॉप है ये। ठीक है, फिर अपना स्पीकर मीवी का, स्पीकर मीवी का यू नो, ये एक चार्जिंग स्टेशन, ये बहुत सही है, इसमें 5 चार्जिंग हो जाते हैं, बहुत सही है, बहुत अल्टीमेट चीज़ है अगर आप बहुत चीज़ें आपके पास चार्ज करने के लिए है तो। अपना गोप्रो Hero 7, देन उसके 2 बैटरीज, और इस बैग में मेरा सारा सामान है, मतलब चार्जिंग वायर, चार्जर्स वगैरह, तो इसमें सब कुछ अपना है, तो ये एक मैंने अलग से कैरी कर रहा था। फिर है ये अपना ट्राईपोड छोटा सा गोप्रो वाला, ये अपना हेलमेट वाला माउंट गोप्रो का। ठीक है, फिर अपनी हार्ड डिस्क आ जाती है 1.5 TB की, जिसमें मैं अपने सारे वीडियोस वगैरह ट्रांसफ़र करता था रोज़। फिर अपना ये DJI मिनी ड्रोन, उसका रिमोट
और ये कुछ टेप्स वगैरह है, ठीक है, इमरजेंसी के लिए, एम सील वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एज ए सोलो। और ये है कुछ गोप्रो की एक्सेसरीज, छोटी मोटी माउंट्स वगैरह, ठीक है। और फिर आता है अपना ट्राईपोड, एंड ये वाला सेल्फी स्टिक, ये ट्राईपोड आता है मोबाइल के लिए। तो ये बाकी मेन मेन चीज़ें थी जो मैं कैरी कर रहा था। एक तो चीज़ें और है, जैसे एक एयर पंप मैं कैरी कर रहा था जो अभी है नहीं, मैं फ्रेंड का लेके गया था बोरो करके, तो वो मैंने उसको दे दिया वापस, वो कैरी कर रहा था। और एक हेयर ड्रायर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं झांसी में बारिश में भीग गया था और मेरे शूज़ में पानी वगैरह चला गया था। जैकेट्स वगैरह तो सूख जाती है बहुत जल्दी क्योंकि ये तो मैश की होती है, बट शूज़ सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं कैरी कर रहा था एक हेयर ड्रायर जिससे मैंने अपने शूज़ सुखाए, मतलब अच्छा काम किया, ठीक है, वो एक ही बार यूज़ आया। और एयर पंप बाय लक एक बार भी यूज़ नहीं हुआ, तो अच्छी बात है ये तो, ठीक है। तो बस यही नॉर्मल चीज़ें थी, और एक दो छोटी मोटी चीज़ और होगी जैसे इसके लाइनर्स वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें, वो आप अपने हिसाब से कैरी कर सकते हो जो आपकी नीड हो, ठीक है। बाइक का मैंने बहुत कम सामान कैरी किया बिकॉज मुझे पता था कि बाइक न्यू बाइक है, ठीक है, जस्ट अब जाके 12,000 हुई है। जब मैं निकला था घर से तो अराउंड 4,200 थी किलोमीटर्स, तो उसकी सेकंड सर्विस मैंने रास्ते में ही करवाई है, थर्ड सर्विस भी, तो बाइक न्यू थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मैंने मेन मेन चीज़ें कैरी की थी। यस, दीज आर द मेन थिंग्स विच आई वॉज कैरिंग ऑन माई राइड, K2 के राइड। तो अल्टीमेट राइड हुई, ठीक है, आते हुए थोड़ी प्रॉब्लम हुई बट अल्टीमेट राइड हुई यहाँ से। तो यस, यही चीज़ें हैं जो मैंने कैरी की थी अपनी, ठीक है। तो बाकी किसी को मतलब कुछ चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। बाकी तो यही मेन मैं कैरी कर रहा हूँ जितना मुझे याद था, क्योंकि मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई थी, अली वीडियो ये अब बनाई है मैंने आने के बाद। तो ये बस, दैट्स इट गाइज। तो ये मेन सामान है, आप कैरी कर सकते हो, ये तो बेसिक सामान है जो आपको कैरी करना है, ठीक है। तो राइडिंग गियर्स तो आपको पक्का पक्का कैरी करने हैं, बाकी कुछ कैरी करो ना करो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, तो हैव अ गुड डे, एंड अगर रात है तो हैव अ गुड नाइट। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।